वेलकम बैक टू मनु में रेसिपीज़। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए आपके लिए कोई रेसिपीज़ लेके नहीं आ पाई। लेकिन फ्रेंड्स, गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए बहुत ही अच्छी सी और टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और जो भी नए हैं प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई सी रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। आज मनु में रेसिपीज़ में हम बनाने वाले हैं क्विक एंड झटपट से बनने वाली चाट की रेसिपीज़। चाट तो हर किसी का फेवरेट है। 4 o'clock की भूख के लिए एक क्विक सा स्नैक बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ है ये फ्रेंड्स। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और हेल्दी भी उतनी ही ज़्यादा है। गीले चुने इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और देखिएगा कि झटपट बनने वाली कॉर्न की चाट एंड पापड़ की चाट कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोग जो है बनाएंगे स्वीट कॉर्न का चाट, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और गिने चुने इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1 bowl भर के स्वीट कॉर्न। ये रेडीली अवेलेबल है किसी भी ग्रॉसरी शॉप में या किसी भी वेजिटेबल की मार्केट में। तो ये जो स्वीट कॉर्न है, इसे मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। मतलब आप इसे एक विसल लगा दीजिए कुकर में, या आप इसे नॉर्मल ऐसे भी बॉईल कर सकते हैं। तो ये स्वीट कॉर्न मैं ले रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है स्वीट कॉर्न, एंटी एजिंग भी होता है और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी है फ्रेंड्स। तो स्वीट कॉर्न भी हमें खाना चाहिए एज अ चाट, या आप इसका सैलड भी बना सकते हैं। मैं आगे चल के आपको नई नई सी सैलड की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो इसमें मैंने लिया है स्वीट कॉर्न। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज, उसके साथ इसमें जाएगी बारीक कटी हुई टमाटर। ये जो टमाटर है इसको मैंने डीसीड कर लिया था और इसका पल्प निकाल लिया था। नहीं तो क्या होता है ना, जो हम लोग चाट वगैरह बना देते हो बहुत ज़्यादा लाइक वॉटरी या सॉगी हो जाता है। जैसे गोइंग आगे चल के मैं आपको पापड़ की चाट बनाने दिखाने वाली हूँ, तो उसमें भी हम लोग ये टमाटर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने सिर्फ इसका आउटर का पार्ट लिया है, पल्प और सीड्स निकाल लिया है। तो अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी कटी हुई हरी मिर्च। आप इसमें तीखा आपके हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं इसमें कोई भी ऐसी चटनी वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा बेसिक रखने वाली हूँ। इसके लिए मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले, जैसे मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दूँगी जस्ट फॉर दैट फ्लेवर। आप अगर चाहिए तो इसमें लाइक हरी चटनी या इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, बट मैं इसे सिंपल ही रखना चाह रही हूँ। और इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर। उसके साथ जो है इसमें मैं डाल दूँगी बस थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। चाट मसाला भी हमने इसमें यूज़ किया है तो नमक हम थोड़ा हल्का ही रखेंगे। और एंड में मैं जो है इसमें डाल दूंगी आधा नींबू का जूस। इन सब चीज़ों को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमारी स्वीट कॉर्न का इंस्टेंट सा चाट जो है वो बनके तैयार है फ्रेंड्स। देखा ना, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट जब इसे खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये एज अ सैलड भी आप इसे एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं, या आप इसे एज अ चाट, अगर आप इसमें हरी चटनी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब एंड में जो है इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी नाइलॉन सेव और उसके साथ थोड़े से पोमोग्रेनेट के दाने। बहुत ही डिलीशियस सा हेल्दी सा ये चाट बन के रेडी है। अब हम चलते हैं पापड़ का चाट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला चाट जो है वो है पापड़ का चाट। ये मैंने 3 पापड़ लिए हैं। आप कोई भी पापड़ ले सकते हैं, उड़द का ले लीजिए, मूंग दाल का ले लीजिए, और उन्हें मैंने रोस्ट कर लिया है। इन्हें फ्राई नहीं करना, इन्हें रोस्ट करना है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पापड़ की चूरी ये बहुत ही फेमस राजस्थानी डिश है, जो बहुत ही अच्छे से वो लोग वहाँ एंजॉय करते हैं। तो उसी पापड़ की चूरी को एक मैंने अलग सा ट्विस्ट देके हम लोग उसका चाट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पापड़ लिए हैं। अब जो है हम इन्हें क्रश कर लेंगे।
राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है फ्रेंड्स, किसी भी सब्ज़ी या फिर कढ़ी वगैरह के साथ इसे इंजॉय किया जाता है। तो बस हम इसमें थोड़ा सा चाट के इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे एक अलग सा ट्विस्ट दे के एज अ चाट हम लोग इसे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पापड़ ले लिया है, पापड़ को अच्छे से मैंने क्रश कर दिया है। अब जो है इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के मेल्टेड घी। राजस्थानी खाना है और उसमें घी ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता ना फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें मैं डाल दूँगी घी। जैसे हम सब भी जानते हैं कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा घी खाया जाता है और वो टेस्टी भी बड़ा लगता है पापड़ के साथ। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगेन इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि टमाटर की वजह से पापड़ जो है वो सौगी हो जा रहा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर टेस्ट के लिए, थोड़ा सा चाट मसाला, और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और पापड़ की चाट जो है वो भी हमारी बनके रेडी है फ्रेंड्स। देखा ना कितनी ज़्यादा झटपट बन जाती है ये डिश, और खाने के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। जैसे हम लोग किसी भी कोई भी लाइक चटनी खाते हैं खाने के साथ एज अ साइड डिश, आप ऐसा सब बना के खाएंगे ना तो लगता भी बहुत डिलीशियस है खाने में और आप लोग इन्जॉय भी करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है अपने दोनों चाट है इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं कॉर्न वाला चाट जो है उसे सर्व कर लेती हूँ। आप किसी भी प्लेटर में उसे सर्व कर सकते हैं। और इसके ऊपर से जो है मैं थोड़ा सा सेव और थोड़े से अनार के दाने डाल के इसे गार्निश कर ले रही हूँ। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग जो है पापड़ वाला चाट भी है उसे भी हम लोग सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा सा सेव, अनार के दाने, इसे हम लोग जो है पापड़ के साथ ऐसे सर्व कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, दो झटपट से बनने वाली चाट की रेसिपीज़ जो है वो बनके तैयार है। देखा ना आप लोगों ने कितनी झटपट से बन जाती है, और खाने में तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। कॉर्न वाला चाट तो आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, एंड पापड़ वाला चाट जो है आप इसे खाने के साथ एज अ साइड डिश इसे इंजॉय कर लीजिए। तो जाइए फटाफट से ये ईजी से चाट की रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये रेसिपीज़ कैसे लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।